हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ट्रेनिंग के लिए सर्च कर रहे हो, कोई कंपनी या जॉब करना चाहते हो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो मैं आपको ऐसी कंपनी आज बताने वाला हूँ। आपको किसी भी तरह से किसी थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे थंबनेल पर देखा ही है कि मैं माइलान कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये पीथमपुर पे है, सेक्टर नंबर 3 में, अप्रैल पार्क में, और यहाँ पे माइलान कंपनी के नियरेस्ट सिप्ला कंपनी और भी ग्लेनमार्क ऐसी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। किन क्वालिफिकेशन के बंदों को कितनी सैलरी मिलती है, और यहाँ पे आपको पीएफ या एसआईसी, आप यदि 10th 12th बेस में गए हो तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिप्लोमा, आईटीआई, डिग्री, बीएससी, बी फार्मा, जो भी किए बंदे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। यदि आपकी मान लीजिए क्वालिफिकेशन बीएससी है तो आपकी सैलरी क्या देंगे, और यदि आपने डिग्री किया है जैसे बीटेक किया है या डिप्लोमा में मैकेनिकल से कुछ भी किया है, आईटीआई किया है, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, और आपको स्टाफ में रखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे या परमानेंट करेंगे वहाँ पे आपको। तो परमानेंट होने के लिए वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। फ्रेंड, चलिए हम एक एक चीज़ें क्लियर करते हैं। यदि आप 10th 12th बेस में आते हो, सबसे पहले आपको कुछ हिडन चीज़ें पता होनी चाहिए जो कोई नहीं बताता आपको इस कंपनी में भर्ती लेने के लिए। हालांकि आप बहुत से लड़के जो हैं तो कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस खास तौर पे आपको फार्मा कंपनी में आने के लिए किसी भी तरह से कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है आपका कंसल्टेंसी यदि आप यूज़ करते हो तो। आपको डायरेक्ट आना है यहाँ पे टाइम ऑफिस में या चार ऑफिस में आपको डायरेक्ट आके विजिट करना है, और कुछ कहीं भी नहीं जाना, आपको डायरेक्ट आइए आप यहाँ पे। और जब आपको लोकेशन यदि आप कहोगे तो मैं लोकेशन भी आपको शेयर कर दूंगा। आपको वैकेंसी कब आती है आप मुझे कमेंट करते रहिए, तो मैं आपको वैकेंसी भी शेयर करता रहता हूँ, ऐसे कम्युनिटी में मैं आपको वैकेंसी भी शेयर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फार्मा कंपनी में आ रहे हो तो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें, सेकेंडरी आपके वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, थर्ड आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं लिंक है, अदरवाइज नहीं लिंक है तो आप करा के आइएगा, नहीं 10 से 15 दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। और आपका फोर्थ नंबर, आपके रिज्यूम में आपका पास्ट का एक्सपीरियंस, और प्रेजेंट में यदि आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर में आपने क्या स्किल में डाला है, क्या एक्सपीरियंस में और क्या आपके नॉलेज में डाला है वहाँ पे, तो आप यदि जो चीज़ मेंशन करते हो तो उस चीज़ के बारे में आपके आपसे पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप इंटरव्यू में निकाल दिए जाओगे। ठीक है, नहीं पता है तो मत डालो, वो ज़्यादा बेहतर है। सो फ्रेंड, यदि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊं तो 10th 12th बेस से हो तो आपको कुछ भी नहीं, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट में ही होना पड़ेगा शुरू शुरू में। फिर आपके वहाँ पे रेफरेंस कैसे बनाते हो, लोगों से कैसे जुड़ जाते हो, मैनेजर एचआर से, तो आप धीरे धीरे वहाँ पे स्टाफ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट में काम सीख लीजिए और दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको जो है बढ़िया अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी और आप स्टाफ में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 10th 12th वालों के लिए हो गया, इनको पीएफ या एसआईसी मिलता है, बस की सुविधा नहीं मिलती है, खुद से करनी पड़ेगी, रहने खाने की व्यवस्था भी नहीं मिलती है, खाने की व्यवस्था करोगे तो आपका पैसा कटेगा। चलिए आईटीआई डिप्लोमा को क्लियर कर लेते हैं। यदि आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा है तो देखिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति घर बैठे अप्लाई कर रहा है। यदि आपको जॉब करने की आपने सोच ही लिया है तो आप इस कंपनी में आ जाइए, पीथमपुर में आने की सोच रहे हैं, जहाँ पर भी आप जाने की सोच रहे हैं फार्मा कंपनी में, तो आप एक दिन पहले आ जाइए। जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उस चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए। रिज्यूम में जो भी मेंशन करिए आपको पता होनी चाहिए, आपके पास फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, रिज्यूम एकदम से आप जो भी मेंशन करिए आपसे पता होना चाहिए, थर्ड आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और रिज्यूम में आपकी स्किल जो भी और आपके एक्सपीरियंस जो भी है उसको आप सही तरीके से एक बार गौर कर लीजिए और समझ लीजिए आपने क्या मेंशन कर रखा, आपको पता होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब जब भी आओ इस कंपनी में तो आप मॉर्निंग में 8 बजे आ जाइए, रिज्यूम डालिए, दूसरे दिन आपको रिस्पांस मिल जाएगा, अदरवाइज उसी दिन आपको बुला लेंगे 11 बजे इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए, तो आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप पीथमपुर में आ सकते हो, आना चाहते हो तो, सेक्टर नंबर 3 में कंपनी है, माइलान कंपनी है। सो फ्रेंड, ये कंपनी बहुत ही बेस्ट कंपनी आपके करियर में बूस्टअप ला सकती है। सो फ्रेंड, यदि आप बात करें सैलरी की तो 10th 12th की सैलरी 8 से 8.5 हज़ार है, और आईटीआई डिप्लोमा की सैलरी जो है तो 10 से 12 हज़ार रहेगी, और यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो 15 से 16 हज़ार रहेगी, यदि आपको कंपनी ने रख लिया है तब, और नहीं रखती है तो आपको वहाँ पे 2-4 दिन कंटिन्यू अप्लाई करना है, हर हफ्ते वीक में 2 बार 3 बार वैकेंसी निकलती है, आप गेट में जाकर पता करिए, टाइम ऑफिस में जाकर पता करिए, 100% आपका पता चल जाएगा। सो बस के बताएं सुविधा, तो बस की सुविधा वैसे बहुत कम ही मिलती है, यदि आप स्टॉप में हो गए हो तो ही मिलेगी आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगी, आपको खुद से जाना पड़ेगा।
और जो सैलरी है बीएससी वालों की, तो मैंने बताया यदि आप बी फार्मा यदि आपने कर रखा तो आपका भी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, यदि आपने बी फार्मा और बीएससी केमिस्ट्री से है तो आप, अदरवाइज आप मैकेनिकल से डिप्लोमा है आईटीआई तो थोड़ा चांसेस कम है, बट हो जाता है, ऐसा नहीं, मेंटेनेंस में हो जाता है। सो फ्रेंड यदि आप जॉब चेक कर रहे हो तो आप लिंक्डइन पे माइलान की प्रोफाइल पे आ जाइए और यहाँ पे इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें आप जान सकते हो। यहाँ आने से पहले कुछ कंपनी के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आपको नहीं पता है तो आप इसको सर्च करिए माइलान कंपनी के बारे में, थोड़ा जान लीजिए क्योंकि इंटरव्यू में कुछ पूछ सकता है। जैसा आप देख रहे हो अबाउट सेक्शन में आप जाकर थोड़ा सा जान लीजिए कि इस कंपनी के में कितने एम्प्लॉय वर्किंग है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। और ये पोस्ट जो भी कंपनी करती है आप देखते रहिए, अपडेट हो जाइए, और जॉब्स में आप जॉब अपडेट लगा सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी तो आपके जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग, एलोकेशन के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप शायद आपको जॉब मिल जाए। सो थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।